हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी मस्त चली होगी। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियो देखना शुरू कर दिया था, तो आज ये क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये इसका वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो पर हम देखने वाले डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस एक ही वीडियो पर देखने वाले। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस चैप्टर से पिछले वर्षों में केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को यार आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, तो यार जिन छात्रों की तैयारी एकदम जीरो है, अभी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो बस यार जितने ये वन शॉट वीडियो करा रहे हैं हर चैप्टर के, आपको इन सभी को तैयार कर लेना यार, केमिस्ट्री में मस्त नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जितने पिछले वर्षों में अभी तक पेपर हो चुके हैं ना, उन सभी पेपरों से हमने एक एक प्रश्न को ढूंढ के लिए है, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। जितने प्रश्न हैं डी एवं एफ ब्लॉक तत्व के चैप्टर से जितने भी पूछे जाते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो पर हम लोग मस्त तरीके से समझने वाले। ठीक है यार, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब उनको मस्त तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना है, और एक एक टॉपिक को, जितने टॉपिक हम यहां पर पढ़ाएंगे, उन सभी को तैयार कर लेना। अगर केमिस्ट्री में 70 में 70 का गोल है आपका, 70 में 70 का गोल है, तो यार मस्त तरीके से तैयारी करनी होगी। इसीलिए हमने वन शॉट वीडियो लाना शुरू कर दिया, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इतने आपके करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो पे हम क्या देखेंगे, चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर। और अगर जिसने भी अभी आप लोग नए हो, अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें अब हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एकदम मस्त तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी को शुरू करते हैं और मस्त तरीके से समझते हैं आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर। तो भैया अब हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं, और ये जान लो जितने टॉपिक यहाँ पे पढ़ाएंगे, इससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला इस चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को यार अच्छे से समझना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें। आपका पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है पेपर में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, मतलब संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखो, अगर बात करें जो चैप्टर आपका है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, कौन सा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये होते किसमें, आवर्त सारणी पे। अगर बात करें आवर्त सारणी किस टाइप से होती है, अगर आपको यहाँ पे हम देखो फोटो भी दिखा देंगे, आप लोग देखना स्क्रीन पे, देखो इस टाइप से आपके यहाँ पे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ध्यान से देखना, ये आपको आवर्त सारणी जो फोटो दिख रही है उस पर देखना, इन्हें कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इस टाइप से एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यहाँ पे बीच में आपके कौन से तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इस टाइप से इधर साइड पे आपके कौन से तत्व होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस टाइप से आपकी आवर्त सारणी बनी होती है। आप देखोगे अगर यहाँ पे जो फोटो दिख रही है, इन तत्वों को डी ब्लॉक बोलते हैं, ये जो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके तत्व दिख रहे होंगे आपको, वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और आवर्त सारणी में यहाँ पे नीचे आपकी इस टाइप से दो क्षैतिज पंक्तियाँ रखी होंगी, जिनको एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी होती है, इसमें आपको जो दिख रहा होगा, इसमें इधर वाले तत्वों को बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, इन दोनों को, और इधर वालों को, इधर वाले जितने भी, इन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी तत्व हैं इन्हें डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, और यही डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नीचे आपके क्या है, ये जो है इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर पर आपको क्या पढ़ना है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब ये जो डी ब्लॉक वाले हैं और एफ ब्लॉक वाले, इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो बात करें अगर संक्रमण तत्व, क्वेश्चन यही पेपर में आता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं और संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को लिखिए। तो बात करें जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो यही डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इन्हें, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हें बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, और ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई पूछे डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की जो फोटो देखी उसमें भी देख सकते हो, इधर वाले एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक वाले हैं, बीच में डी और इधर एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर ये जो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है इसमें हमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। ये जो आवर सारणी पीरियोडिक टेबल पे आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इन्हीं के बारे में भैया हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 नंबर पे पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो आप सबने सबसे पहले एक सीधी सीधी बात बता दी कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। ठीक है, आप परिभाषा पढ़ते इसे आसानी से उदाहरण से समझते हैं, इसकी विशेषताओं को मस्त तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखो आपकी आपकी सबसे पहले परिभाषा क्या है संक्रमण तत्वों की। तो कहा गया वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो पढ़ो ध्यान से, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, अभी परिभाषा कम समझ में आ रही होगी, टेंशन न लो, अभी पूरी समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक यहां पे हमने एक लाइन और लिखी कि वे तत्व जिनमें डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो मतलब जिनके आपके डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, टेंशन ना लो, पूरा समझाएंगे। ठीक है, आप जैसे आपको जैसे अभी हमने क्या दिखाई थी, आवर सारणी पे हमने कहा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। आप यहां पर एग्जाम्पल से समझा सकते हो, ये जो दोनों परिभाषाएं लिखी हुई है इनको आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो। जैसे यहां पर आपके डी ब्लॉक के जो तत्व अभी दिखाए थे उसमें पहला तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है और वो होता है स्कैंडियम। ठीक है, कौन होता है, स्कैंडियम होता है एक डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। अब आप इस पे समझा सकते हो कि ये आपका डी ब्लॉक के तत्व है, कैसे, देखो समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वाली, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्कैंडियम की बात करें, अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, परमाणु क्रमांक कितना है 21, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसका निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, गिन सकते हो 21 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20, 21। ठीक है, आप देखो ये डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व जो होते हैं, परिभाषा पढ़ो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करे। किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहिए, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए डी कक्षक में प्रवेश करना चाहिए। देखो ये एस है, ये पी कक्षक, ये आपका डी कक्षक, तो आपका अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उन्हें हम लोग संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, जिसमें आपका मतलब अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हो वो डी कक्षक में प्रवेश करे, 21 इलेक्ट्रॉनों में से जो 21वां इलेक्ट्रॉन मान लो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो वो अगर डी कक्षक में प्रवेश करता है तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। आप जैसे यहां पर बात की गई कि 5 कक्षकों की बात हुई, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो एस कक्षक होते हैं, एस उपकोश, उसमें एक कक्षक होता है, जो पी उपकोश होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, जो डी उपकोश होता है उसमें आपके 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, और जो एफ उपकोश होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। इतनी बात सबको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज सबको पता होना चाहिए, 7 होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ पे 7 होते हैं। तो यहां पे जो कहा गया 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, जैसे अगर बात करें 3d1 लास्ट वाला आ रहा है, इसके लिए अगर आप कक्षक बनाओ डी वाले के लिए, तो डी में आपको हमने बताया 5 कक्षक होते हैं, इस टाइप से 2, 3, 4, 1, 5। अब यहां पर डी पे 1 लगा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग यहां पर अगर 5 कक्षक है, 1, 2, 3, 4, 5,
पांच, तो पांच कक्षकों में अगर एक कक्षक पे एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो वही चीज कहा गया है कि आपका मतलब वे तत्व तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर स्कैंडियम की यहां पे उदाहरण के तौर पे आपने लिया तो स्कैंडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो बाह्य कोष से पहले वाले कोष के पांच डी कक्षकों में से किसी एक कक्षक में आपका प्रवेश करता है, मतलब ये जो आपका लास्ट वाला जो डी आपका उपकोष है उसमें क्या है पांच कक्षक है, तो इन्हीं पांच कक्षकों में से किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्रवेश करता है, तो उस तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका मतलब बाहरी कोष से पहले वाले कोष के डी कक्षक में से, मतलब जो डी कक्षक के पांच कक्षक है, डी में आपके पांच कक्षक होते हैं, तो इन्हीं पांच कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, तो उस तत्व को हम क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व बोलेंगे। फिर इसके बाद दूसरी परिभाषा नीचे हमने ये लिख दिया कि वे तत्व जिनमें डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर बात करें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लेकर 10 तक। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3D पे 1 है, 3D2, 3D3 इस टाइप से 10 तक भर सकते हो। तो कहा गया कि वे तत्व तो जिनमें डी कोष आंशिक रूप से भरे हो, आंशिक का ये मतलब है जिसमें पूर्ण ना भरे हो, आंशिक का ये मतलब है जिसमें 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन भरे हों वो आपके संक्रमण तत्व तो कहलाएंगे, ठीक है, आंशिक का ये मतलब है। और जब 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण हो जाएगा। देखो इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इससे हम क्या कहेंगे पूर्ण भरा, मतलब सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे। लेकिन आंशिक तब होगा जब 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपसे कहा गया वे तत्व जिनके डी उपकोष मतलब डी कोष आंशिक रूप से भरे हो उन्हीं तत्वों को हम क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों परिभाषाओं का ये मतलब है सिंपल। देखो कभी भी आपसे पूछा जाए संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, तो आपको इतना तो पता है कि डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परिभाषा आपको ऐसे लिखनी है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से पहले वाले कोष के पांच डी कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है तो संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं। फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वे तत्व जिनमें डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें भी हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर दे देना, केमिस्ट्री एग्जाम्पल मांगती, कोई भी परिभाषा ज्यादातर लिखो तो उसमें एग्जाम्पल देने की मतलब आप एग्जाम्पल देने की कोशिश करो, जिससे एग्जामिनर जो होता है वो पूरे नंबर देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा उदाहरण जरूर दो। तो उदाहरण इस टाइप से दे सकते हो, जैसे स्कैंडियम है उसका परमाणु क्रमांक 21 है, ये एक प्रकार का क्या है डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा दो, लास्ट वाले कक्षक का इस टाइप से विन्यास कर दो, डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा, तो अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डी उपकोष में भरा है, अतः ये तत्व तो कैसा तत्व तो है संक्रमण तत्व तो है, ठीक है। और भी यहाँ पे आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो आप दे सकते हो, और भी आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ गए थे ना, एस में 1 होता है और पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 और एफ पे 7, इतना याद रखना। आप जैसे अगला तत्व तो भी लिख सकते हो उदाहरण के तौर पे, जैसे स्कैंडियम के बाद आता है टिटेनियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो इसी टाइप से निकल जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2 इस टाइप से, ठीक है, 4s2 3d2। और देखो अगर बात करें यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो ऐसे आता है, लेकिन आपको ये पता है ना कि पहला ये आता है, फिर एक के बाद दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है और चौथा ये, मतलब बाहरी सबसे ये है 4s2, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3d2 और 4s2 ऐसे भी लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। मतलब वास्तव में ऐसा होता है 3d2 4s2, लेकिन इसे लिखा ऐसे ना करके हम लोग इसे लिखते कैसे, ऐसे 4s2 3d2, ऐसे क्यों लिखते, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका होना कैसे चाहिए, आपके साथ देखो पहला कक्षक, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, लेकिन हम लोग चौथे को बीच में लिख लेते, ठीक है। तो आपको लिखना इसी टाइप से, लेकिन ये समझना है कि जो चौथा वाला है ये सबसे बाद में, इसीलिए कहा गया था बाह्य कोष से पहले वाले कोष, मतलब होता वास्तव में क्या है इस टाइप से होता है 3d2 4s2, मतलब 3-3 वाले इस टाइप से एक साथ होते, इसलिए जो सबसे बाहरी कोष है उससे पहले वाले कोष के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसे बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व। अगर यहाँ पे डी वाले का हम लोग विन्यास करें तो डी पे 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 1 मिला के 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर गए, तो ये एक प्रकार का क्या है संक्रमण तत्व है, ठीक है। इसी टाइप से आपको परिभाषा देनी है, उदाहरण देके समझा देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4s2 3d1 लिखा है, इसमें देखो
वास्तव में जो होता है 4:2 इसके बाद आना चाहिए, लेकिन हम इसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें, और परिभाषा आप इस टाइप से दे सकते हो, उदाहरण एक दो दे देना, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, संगमर तत्वों की विशेषता। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले संगमर तत्व की परिभाषा, उदाहरण दे देना, फिर इनकी विशेषताएँ, ठीक है। अभी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो पहले आप लोग देख लो परिभाषा उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। इसी टाइप से उदाहरण दे देना है आपको एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो देखो ये आपका परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया, आप बात कर लेते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, कि संक्रमण तत्वों की क्या क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं भी आपसे पेपर में पूछी जाती है, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इनको नोट कर लो, आप बात कर लेते हैं संक्रमण तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भैया आप बात करते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, परिभाषा देख ली, उदाहरण देख लिया, आप बात करते हैं संक्रमण तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि आपका मतलब संक्रमण तत्वों की जो विशेषताएं ना, ये चीज़ जान लो, इनसे भी बहुत प्रश्न फंसते हैं। अभी बीच बीच में आपको बताते भी चलेंगे कौन कौन से प्रश्न इनसे आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग संक्रमण तत्वों की क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। तो देखो विशेषताओं पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर यही लिख देना है कि संक्रमण तत्वों की जो विशेषताएँ होती है वो निम्नलिखित होती है, ठीक है। संगमर तत्वों की जो विशेषताएं होती है वो आपकी कितनी होती है, निम्नलिखित होती है, मतलब निम्नलिखित का मतलब है यहां पे आपको वो दर्शाई गई है जितनी भी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं, सभी विशेषताओं को यहां पे देखते हैं। तो देखो पहली नंबर विशेषता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली, ठीक है। आपकी संगमर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि अभी आपको निकालना दिखाया था, वैसे पहली विशेषता आपकी बन जाती है संगमर तत्वों की विशेषताएं, ठीक है। तो देखो देखते हैं पहली नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो पढ़ो इसे कि संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मतलब 4s से पहले 3d आता है ना, तो इसलिए 3d पे जैसे इलेक्ट्रॉन भरा था वैसे ही कहा गया है। और इसके बाह्यतम दो कोषों का विन्यास n-1 d1-10 ns1 और 2 या ns0 होता है, ठीक है। इसमें विन्यास भी बताया गया कि n-1 d से 1 से लेके 10 तक और ns1 और 2 या ns0 इसका विन्यास होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली विशेषता इसकी, ठीक है। आपसे कोई विशेषता पूछता है तो देखो ये इतनी सारी विशेषताएं, एक एक विशेषता को आपको अच्छे से समझना है, रटना यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छे से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल पहले यही आपसे कहा गया, पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहा गया संगमर तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये तो हमने आपको पहले बताया। और इसके बाह्यतम दो कोषों का जो विन्यास होता है n-1 d1-10 ns1 और 0 या ns0 होता है। अब एग्जाम्पल से आपको इसे भी समझा देना है, ठीक है, एग्जाम्पल या उदाहरण से इसे भी समझा देना है। तो बात करें जैसे अभी स्कैंडियम वाला लिया था, वही यहाँ पे दिखा दो, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, इस टाइप से आप लोग एक दो एग्जांपल दे देना, जब विशेषता लिखना ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे देना, जैसे स्कैंडियम का दे दिया, इसके बाद टिटेनियम का दे दिया, वैनेडियम का दे दिया, इस टाइप से दे सकते हो, या एक ही एग्जांपल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से स्कैंडियम का 21 होता है तो आपने दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकला। आपसे कहा गया कि संगमर तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाह्यतम कोष ये 4s वाला है तो 4s से पिछला कोष 3d, क्योंकि 4 के पहले 3 आएगा ना, तो 4s से पहले 3d वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। और फिर कहा गया कि इसके बाह्यतम दो कोषों का विन्यास ये और ये होता है, ठीक है। ये और ये का मतलब देखो, अगर यहां पे देखो 4 है, यहां पे 3, अगर n को 4 मान ले, यहाँ n की बात है ना, तो अगर n को 4 मान ले तो यहां पे ns1 और 2 लिखा है, मतलब ns1 और 2, इसका ये मतलब है कि n की जगह अगर हम लोग यहाँ पे 4 कर दें, n की जगह 4 कर दें, और 4s में 1 भी भर सकता है और अथवा 2 भी भर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे s की जगह क्या भर दिया गया है, यहाँ पे 2 भर दिया गया है। और अगर यहाँ पे फिर क्या गया, d वाले का क्या होता है, n-1, अगर n 4 है तो n-1 होगा, d वाले का मतलब 4-1 अर्थात सीधा सीधा 3, ठीक है, 4-1 मतलब 3
3D पे आपका इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो वही चीज, तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो डी वाले में एन माइनस वन है और उसमें एन, अगर एन चार है तो डी आपका क्या होगा, चार माइनस वन मतलब तीन। ठीक है, ये सीधी सी बात है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, इतना आपको पहले लिख देना है कि आपका संगमर तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसके बाह्यतम दो कोषों का विन्यास एन माइनस वन डी वन टू टेन कॉमा एन एस वन और टू या एन एस जीरो होता है। और एग्जाम्पल देखिए इस टाइप से आपको दिखा देना, देख सकते हो बाह्यतम कोष हो रहे से इससे पहले वाला कोष 3D में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली विशेषता है संगमर तत्वों की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको एक दो एग्जाम्पल से दे देना है। ठीक है, तो इसी टाइप से सेम आपको लिखना पड़ेगा, ये जान लो, इसीलिए अच्छे समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आप देखो इसी टाइप से अगली विशेषता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्वों की अगली विशेषता है परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्व जो होते हैं भैया, ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब संक्रमण तत्वों की आक्सीकरण अवस्था जो होती है परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, संगमर तत्व जो होते हैं उनकी आक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है, तो वही है इसकी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। पढ़ो यहाँ पे, संक्रमण तत्वों में एन एस आर्बिटल और एन माइनस वन डी आर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संगमर तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आपको यही चीज लिख देना जो यहाँ पर लिखा है कि संक्रमण तत्वों में एन एस आर्बिटल, ये जो 4s जैसे है इसको ns बोला गया, ns आर्बिटल और n माइनस वन डी का मतलब जैसे 3d, ठीक है, ns आर्बिटल और n माइनस वन डी आर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रासायनिक बंध बनाने में, रासायनिक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संगमर तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनकी आक्सीकरण अवस्था जो होती है परिवर्तित होती रहती है। तो ये इसका क्या है, दूसरा विशेषता है। पहली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो बता सकते हो, एन माइनस वन डी वन टू टेन और कामा एन एस वन और टू या एन एस जीरो होता है। और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं संगमर तत्व। ठीक है, संगमर तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनकी जो आक्सीकरण अवस्था होती है वो परिवर्तित होती रहती, मतलब कि बदलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना है इस टाइप से। अगली विशेषता उत्प्रेरकी गुण, जो संगमर तत्व होते हैं इनमें उत्प्रेरकी गुण भी होता है, संगमर धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। उत्प्रेरकी गुण का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्प्रेरक होता है ना, तो उसी टाइप से संगमर धातु और उनके यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, एक जैसे आपका N2 प्लस H2 वाली अभिक्रिया जो आपकी अमोनिया बनाने की है, ये वाली अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा होता है, यहाँ पे 3 का, ये जो अभिक्रिया है अमोनिया बनाने की N2 प्लस H2 के मिलने से 2NH3 बनता है, इसमें एक उत्प्रेरक होता है Fe जिसको बोलते हैं आयरन। ठीक है, Fe होता है आयरन, ये आपका क्या है, एक डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26, 21 के बाद ही आपका 26 आएगा, 21 22 23 26, ठीक है, इसके बाद जब 24 25 के बाद 26 मतलब, तो आपका जो Fe आएगा ये एक प्रकार का डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये यहाँ पे क्या करता है इस अभिक्रिया में, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसीलिए कहा गया कि संक्रमण तत्व और उनके जो यौगिक होते हैं, जैसे Fe है यहाँ पे और Fe के यौगिक जो हैं वो आपके क्या करते हैं, वो आपके उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। ये तो हमने आपको केवल एक समझाने के लिए उदाहरण दे दिया था, इसको लिखना नहीं है आपको, केवल यहाँ पे लिख देना है संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। अगली विशेषता है रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। देखो पढ़ लो, संक्रमण तत्वों में डी आर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे डी की बात करें तो डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से। तो अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आंशिक मिले, मतलब आपका देखो कोई कक्षक होता है ना भैया, कोई कक्षक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरते हैं, अगर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे हो तो उन्हें युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और अगर अकेला इलेक्ट्रॉन भरा हो किसी कक्षक में तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां भी नीचे आपको समझना पड़ेगा, इसलिए समझ लो यहीं पे। देखो आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन यहीं पे सीख लो। ठीक है, अगर आपसे कहीं भी देखो, अगर आपसे
आपको यहाँ पे एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन भरे दिखे, एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से दूसरा इस टाइप से, अगर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे दिखे तो आप ये चीज जान जाना कि उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, और कहीं अगर एक कक्षक में आपका एक अकेला इलेक्ट्रॉन ही भरा है तो उसे बोला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पे जो आंशिक रूप से, इसकी बात तो ये है कि संगमर तत्वों में डी ऑर्बिटल जो आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से लेकर नौ तक, हमने बताया था ना, एक से नौ तक जब होंगे तब आंशिक रूप से होंगे, और जब आपके इलेक्ट्रॉन 10 भर जाएंगे तो वो पूर्ण रूप से भरा कहा जाएगा। इसलिए संगमर तत्वों में इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे, एक से लेकर नौ तक, ठीक है। तो संगमर तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण जो एक से लेकर नौ तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसी के कारण संगमर तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब इसके बाद जो अगली विशेषता ना, उसमें आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा, इसलिए आपसे बता रहे थे। अगली विशेषता चुंबकीय गुण, ठीक है। संगमर तत्व में कौन सा चुंबकीय गुण होता है, तो इसको समझने के लिए आपको युग्मित और अयुग्मित समझा रहे थे। पढ़ो यहाँ पे, संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन तत्वों या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय, मतलब वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और जिनमें नहीं होते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, जिन भी संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और जिन भी संगमर तत्वों में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो, युग्मित इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जिसमें कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जोड़े में भरे हों तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और अगर कक्षक में इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसे बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आप चुंबकीय गुण कैसे बता सकते हो, जिन आपके मतलब जैसे जिन संगमर तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस टाइप से कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको तो आप जान जाओगे कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और वो कैसा चुंबकीय गुण दिखाएंगे, अनुचुंबकीय गुण दिखाएंगे। और अगर आपको इस टाइप से पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे कि वो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित नहीं है, अतः वो क्या दिखाएंगे, प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज है, सिंपल समझने का प्रयास करो। देखो यहां पर आपको सही से समझाते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास, देखो यहाँ पे आपको अच्छे समझाते हैं, देखो इस टाइप से आपको पता है कि डी पे कितने कक्षक होते हैं, पांच कक्षक होते हैं, इस टाइप से कि छः बन गए क्या, पांच कक्षक होते हैं ना। तो अगर इस टाइप से मान लो इलेक्ट्रॉन आपके पास भरे हैं, इस टाइप से आपके पास इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये इस टाइप से मान लो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए, नौ। और अगर आपको कहीं भी इस टाइप का एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं भी अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आप उसे बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी संक्रमण तत्व में इस टाइप का कोई अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो आप बता दोगे वो कैसा गुण दिखा रहा है, अनुचुंबकीय दिखा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे ये ना हो कि आपके यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से भरे होते, पूर्ण भरे होते, इस टाइप से पूर्ण भरे होते, तो उसे क्या बोला जाता है, मतलब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो, मतलब सभी जगह दो इलेक्ट्रॉन हो अगर, तो उसे बोला जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये सिंपल सी बात है। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है कक्षक पे तो उसे वो क्या दिखाएगा, अनुचुंबकीय गुण, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में भरे हुए, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित भरे हुए, तो वो क्या बताएंगे, प्रतिचुंबकीय गुण। ये सिंपल सी बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो इतनी चीज सबको अब समझ में आ चुकी है। एक बार पूरा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पूरा फिर से समझा दे संगे, एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं। बात करें संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका क्या होते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से पहले वाले डी कोष में भरे जाते हैं, उन तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये बताया आपसे कि अगर वे तत्व जिनके डी उपकोष जो वो आंशिक रूप से भरे हो, जिसमें एक से लेकर नौ तक इलेक्ट्रॉन हो, उन तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। फिर बात आई संक्रमण तत्वों की विशेषता की, तो पहली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, उनमें जो डी कक्षक होते हैं, या बोल सकते हो संक्रमण तत्व जो होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से पहले वाले डी उपकोष में भरा जाता है, तो उन तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोष का, वो होता है N-1 D1 to 10 NS1 or 2 या NS0 होता है। इसके बाद बात आई संक्रमण
संक्रमण तत्वों की दूसरी विशेषता परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्वों का जो ns ऑर्बिटल होता है और n-1d ऑर्बिटल होता है, वो आपके क्या करते हैं, परस्पर रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, जिस कारण से संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद उत्प्रेरक गुण की बात आई। संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक जो होते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर संक्रमण तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, क्योंकि जो संक्रमण तत्व में अगर आपका जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसी कारण से संक्रमण तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। फिर बात आई चुंबकीय गुण की। अगर संक्रमण तत्वों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अगर किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसे अयुग्मित बोलेंगे, और अगर किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे तो उसे युग्मित बोलेंगे। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो आप क्या कहोगे, संक्रमण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आप बताओगे कि वो अनुचुंबकीय गुण दिखाएंगे। कैसा चुंबकीय गुण दिखाएंगे? अनुचुंबकीय दिखाएंगे। और अगर किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे तो आप कहोगे वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित वो होगा जिसमें कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, और अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो भरे तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला गुण था कि संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते वे अनुचुंबकीय, तथा जिनमें नहीं होते वे प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात है विशेषताओं की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर का पेपर में आता है, संक्रमण तत्व तो क्या है और उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो मस्त तरीके से यार इसी टाइप से आप लिख सकते हो, पहले परिभाषा, उदाहरण, फिर इनकी विशेषताएं, ये रही। ठीक है, अब संक्रमण तत्वों से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर वाले जो अति लघु उत्तरी प्रश्न फंसते हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको करा दें, जिससे आपको वो भी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन है ना, मतलब जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। ठीक है, कि जिससे आपकी तैयारी मस्त हो जाए। तो आप लोग इन विशेषताओं को नोट कर लो। आप संक्रमण तत्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखो, अब बात कर लेते हैं जो संक्रमण तत्वों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है संक्रमण तत्व। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा आता है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धातुओं के गुण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, अर्थात धात्विक लक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं। एक ये प्रश्न जो इससे पहले बताया था कि संक्रमण तत्व परिवर्तीय आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, उसको भी जरूर करना, क्योंकि ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो चीज वहां पे लिखा था कि जो ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल के बीच में रासायनिक बंध बनते हैं, इसी कारण से संक्रमण तत्व तो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व तो धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते, धातुओं के गुणों को क्यों प्रदर्शित करते, इसका क्या कारण है। तो पढ़ो यहां से, हमने लिखा संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है। ठीक है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो उनकी आयनन ऊर्जाएं होती है वो क्या होती, निम्न होती है, बहुत ही कम होती है। निम्न का मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तथा इनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। इसके बाह्यतम जो कोश होते हैं उसमें अनेक रिक्त कक्षक, अर्थात रिक्त का मतलब होता है खाली, अनेक खाली कक्षक या रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक या यही कारण है उनके धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। मतलब ये कारक, अर्थात पहली बात ये बताएगी कि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा उनके बाहरी कोश में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। यही कारक जो हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं कारकों की वजह से धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता मिलती है। धात्विक आबंध बन जाते हैं आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं, किस किस कारण से। पहला जो कहा गया कि उसमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में, और क्या कहा गया, और ये कहा गया उनकी आयनन ऊर्जा बहुत निम्न होती है। यही कारक जो होते हैं रासायनिक, मतलब यही कारक क्या करते हैं, धात्विक आबंध बनाने में सहायता करते हैं, जिसके कारण से वो धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, कौन, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि संक्रमण तत्व तो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है तथा बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनके धात्विक आबंधों के निर्माण में मदद करते हैं या सहायता करते हैं, मतलब इन कारकों की वजह से उसमें धात्विक आबंध बनते हैं संक्रमण तत्वों में, जिस कारण से वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, 2 नंबर पे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं
किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। जो संगमरमर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है वो किस श्रेणी में और किस प्रकार परिवर्तित होती है, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो कहा गया संगमरमर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। जैसे आपने देखा था, हमने कहा था डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व इस टाइप से होते हैं बीच में। यहाँ पे देखोगे अगर आप तो बीच में इस टाइप से चार पंक्तियाँ इस टाइप से होती हैं, ठीक है, जो कि संक्रमण तत्व वाली होती हैं। बात करें, कहा गया संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ घटती है। अगर आप इनमें देखोगे तो यहाँ पे आपका 21 परमाणु क्रमांक वाला स्कैंडियम होता है ऊपर, फिर उसके बगल में आपका टिटेनियम होता है 22 परमाणु क्रमांक, फिर 23 परमाणु क्रमांक, 24, 25, इसी टाइप से 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्व यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर आप आवर्त सारणी पे देखोगे आपको यहाँ पे पहली लाइन जो होती है इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ वाली, ठीक है। तो ये जो आपकी 21 से लेकर 30 तक के तत्व होते हैं ये आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी पे आते हैं, मतलब जो पहली श्रेणी होती है। और इसमें कहा गया किसी भी, मतलब पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी हो, सभी श्रेणियों में अगर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा 21 से लेकर जैसे 30 हो रहा है या 31 से लेकर जैसे 40 हो रहा है, तो इस टाइप से परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जो आपकी परमाणु त्रिज्याएं होती है वो घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है। और कहा गया प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। प्रत्येक श्रेणी के अंत में क्या होता है, परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिलती है। फिर कहा गया समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि कब होती है, समूह में नीचे की ओर जाने पर। जैसे जैसे आप समूह में नीचे की ओर जाते हो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है, ठीक है। और कहा गया द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। द्वितीय और तृतीय, जैसे ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय वाली, ये तृतीय वाली, तो द्वितीय वाली और तृतीय वाली की बात कही गई कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। जो द्वितीय श्रेणी संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। ये चीज़ आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे बना है। आपको बस ये समझाना था जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें चार श्रेणी होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन ये था कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार की होती है। संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, ठीक है। कहा गया था ना संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। जो चार श्रेणियां होती, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ, उन सभी श्रेणियों में किस प्रकार से किस प्रकार आपकी परमाणु त्रिज्या परिवर्तित होती है। तो कहा गया संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। प्रत्येक श्रेणी के अंत में, चाहे आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जिसमें देखो, प्रत्येक श्रेणी के अंत में क्या होता है, परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आप समूह में नीचे की ओर जाते हो तब भी परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि देखने को मिलती है। और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती है। तो ये है आपका संक्रमण तत्वों की जो आपकी परमाणु त्रिज्या होती किस श्रेणी में किस प्रकार रहती है, इस टाइप से आप बता सकते हो। द्वितीय और तृतीय में लगभग समान रहती है, और आप जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, और श्रेणी में अंत में जाने पर परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिलती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये था संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, इसका दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक वाला था संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, इससे तीन क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। और एक तो मेन वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये दो तीन क्वेश्चन जो बताए आपको ये इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व से ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हो गया संक्रमण तत्व। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वो भी आपके आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अब आप लोग इनको नोट कर लो। और एक चीज याद रखना, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सबको तैयार कर लेना, ये पिछले वर्षों में पूछे गए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब बात करते भैया अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का, ये केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, लैंथेनाइड आकुंचन किस कारण से होता है और लैंथेनाइड आकुंचन से क्या परिणाम होता है, मतलब इसके होने से क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं और इसका कारण तथा परिणाम को लिखिए। आपसे आकुंचन कहे या संकुचन भी पूछ लिया जाता है, आकुंचन संकुचन एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आकुंचन कहे तो आकुंचन समझ लेना, संकुचन कहे तो संकुचन, मतलब एक ही बात है, शब्द अलग अलग है, आकुंचन संकुचन,
मतलब वही है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन क्या है, और लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन के कारण तथा परिणाम को लिखिए, ठीक है। तो ये जो लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन बोले तो ये क्या होता है, अगर बात करें लेंथेनाइट अर्थात ये किस श्रेणी में होता है, लेंथेनाइट श्रेणी में होता है। आपको हमने जैसे बताया था आवर सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें क्या होता है आपसे ये बताया कि इधर वाले तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक होते हैं, बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, नीचे दो श्रेणियां इस टाइप से होती है जिन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, यही तो बताया था आवर सारणी पे, ठीक है। तो ये जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इसमें जो ऊपर वाली श्रेणी होती है इसे लेंथेनाइट श्रेणी और नीचे वाली श्रेणी को एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथेनाइट श्रेणी होती है एफ ब्लॉक में, इसी लेंथेनाइट श्रेणी को ये जो हमने यहाँ पे बना रखी है सीरियम 58 परमाणु क्रमांक से लेके ल्यूटीशियम 71 परमाणु क्रमांक तक होती है लेंथेनाइट श्रेणी, और इसी श्रेणी में क्या होता है लेंथेनाइट आकुंचन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व में लेंथेनाइट श्रेणी होती है, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जो सबसे नीचे होते हैं उसे एफ ब्लॉक बोलते हैं, और इसमें ऊपर वाली श्रेणी को लेंथेनाइट नीचे वाली को एक्टिनाइट बोलते हैं। तो इसी लेंथेनाइट श्रेणी में क्या होता है जाके लेंथेनाइट आकुंचन होता है। कैसे होता है समझते हैं उसको हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जान लो, ठीक है। तो समझते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि लेंथेनाइट श्रेणी में, देखो समझना, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आणविक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाती हैं। परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली यह कमी लेंथेनाइट आकुंचन कहलाती है, ठीक है। लेंथेनाइट श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, वो क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु को परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, इस कमी को ही बोलते हैं संकुचन या आकुंचन। क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास है क्या, ये सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के तत्व को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व बोलते हैं। सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58, ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71, मतलब 58 परमाणु क्रमांक से लेके 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। अगर इसमें आप 58 परमाणु क्रमांक से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, 59, 60, 61, 62 ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है और इस कमी को लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका बनी हुई है ये आपकी लेंथेनाइट श्रेणी है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हो अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में क्या होती है, कमी आती है और इस कमी को लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण से समझ सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, सीरियम से अर्थात सीई से एलयू ल्यूटीशियम तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर, ये जो पीएम लिखा है इसे पिकोमीटर पढ़ते हैं, 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है। अगर आप सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाओगे तो यहां पर से आपकी जो परमाणविक त्रिज्या होती है 183 पिकोमीटर होती है, यहाँ तक जाने में 173 पिकोमीटर हो जाती है, अर्थात क्या होती है 183 से 173 हो जाती है, मतलब परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी जो परमाणविक त्रिज्या है घट जा रही है, तथा यह कमी कितनी है 10 पिकोमीटर, क्योंकि 183 और 173 में 10 का फर्क है, यह कमी 10 पिकोमीटर है और यह कमी ही लेंथेनाइट आकुंचन कहलाती है। ये उदाहरण दे सकते हो कि सीरियम में अगर आप सीरियम से देखोगे तो 183 पिकोमीटर की परमाणविक त्रिज्या होती है, लेकिन ल्यूटीशियम तक जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको जो परमाणविक त्रिज्या 173 पिकोमीटर की मिलती जाएगी, अर्थात वो आपकी क्या होगी 10 पिकोमीटर की इसमें कमी है और यही कमी आपकी लेंथेनाइट आकुंचन या संकुचन कहलाती है, ठीक है। अब यहां पे जो श्रेणी बनी है इस श्रेणी को आपको पेपर में नहीं बनाना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये केवल आपको समझाने के लिए, आपको केवल लेंथेनाइट संकुचन क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण कारण और परिणाम ये केवल समझाने के लिए जो ये श्रेणी बना दी है ये बनाना कोई भी आवश्यक नहीं है, इसको अभी इरेज भी कर देंगे, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाई गई कि आप लोग समझ सको फील कर सको सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी को नहीं बनाना है आपको पेपर में। तो सिंपल ये परिभाषा है कि लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती है, परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली यह कमी लेंथेनाइट आकुंचन कहलाती है। उदाहरण इसका जैसे सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर परमाणुविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घटती जाती है और यह कमी 10 पिकोमीटर की है और
यह कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसका उदाहरण। अब बात आती है लैंथेनाइड आकुंचन किस कारण से होता है और इसका परिणाम क्या है, ये बताओ, ये पूरा क्वेश्चन होता है। तो अब बात करते हैं लैंथेनाइड आकुंचन के कारण। ठीक है, तो कारण यहाँ पे हमने लिखे हुए लैंथेनाइड आकुंचन के क्या कारण है। कहा गया लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं। ध्यान से समझना, ये आपके जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं किस ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ ब्लॉक पे ही भरता है। जैसे संक्रमण तत्व थे उसमें इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरता था क्योंकि वो डी ब्लॉक के तत्व थे, वैसे ही अगर ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो इसमें एफ ब्लॉक में भरेगा। और लैंथेनाइड श्रेणी में 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है और एक्टिनाइड श्रेणी में 5f में इलेक्ट्रॉन भरता है, ये भी याद रखना। लैंथेनाइड में 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है, एक्टिनाइड में 5f में। अभी एक्टिनाइड के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बस ये समझ लो ये जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरता है और एक्टिनाइड में 5f में भरता है। ठीक है, कहा गया लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन किस में भरते जाएंगे, 4f उपकोष में आपके इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। आप कहा गया एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे त्रिज्याएं घटती हैं और लैंथेनाइड आकुंचन होता है। इसका क्या मतलब, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, इसको समझना, मान लो अगर कोई भी तत्व है उसका कोई परमाणु मान लो इस टाइप से होता है, परमाणु के अंदर यहाँ पे क्या होता है नाभिक होता है जिसका प्लस आवेश होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्लस आवेश होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगा रहते हो इस टाइप से। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा सबको कि यहाँ पे बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस टाइप से विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं चक्कर लगा रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4f कक्षक में ही भरे जाएंगे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन अगर 4f कक्षक का वो दूसरे 4f कक्षक का क्या कर नहीं पाता, परिरक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि आपका नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, कोई भी अगर परमाणु है तो उस परमाणु में जितना माइनस आवेश होता है उतना ही प्लस आवेश होता है। अगर यहाँ पे आप जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ेगा, 58 है तो उसमें 4f में कितने एक इलेक्ट्रॉन है अगर, और आप जैसे 59 में जाओगे 4f में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस टाइप से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इस नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। ध्यान से समझो, ये जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक आगे की ओर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका नाभिक का आवेश भी बढ़ता है, और नाभिक का आवेश बढ़ने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों में समस्या आ जाती है और इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है नाभिक अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, ये नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, और ये जो इस परमाणु के जो और इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन का रक्षण नहीं कर पाते, परिरक्षण नहीं कर पाते, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता रहता है, और उससे क्या होता है उस परमाणु का आकार कम होता रहता है, अर्थात उसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या जो होती कम होती रहती है। यही कारण है लैंथेनाइड आकुंचन का। पढ़ो यहाँ से, लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में बढ़ते हैं, इतना सबको पता है। अब कहा गया एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है, मतलब कि जैसे जैसे नाभिक में आवेश बढ़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो इस इलेक्ट्रॉन का रक्षण, अर्थात मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई समस्या है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी रक्षा करना चाहिए, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी परिरक्षण जो है बहुत ही दुर्बलता से कर पाता है क्योंकि नाभिक का आवेश ज्यादा हो जाता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का रक्षण सही से नहीं कर पाता। इस कारण से क्या होता है, कहा गया एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण, नाभिक ही उसको अपनी ओर खींच रहा है तो नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता रहता है, और ये जो नाभिकीय आवेश है धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, जिससे त्रिज्याएं घटती हैं, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे खींचने की वजह से उसका जो परमाणु का आकार है वो छोटा होता जाएगा, जिससे उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। कहा गया जिससे त्रिज्याएं घटती, कौन कौन सी त्रिज्या, परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं घटती है और लैंथेनाइड आकुंचन होता है, क्योंकि त्रिज्याएं घटने के कारण ही तो आपका लैंथेनाइड आकुंचन होता है ना। कहा गया ना परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली कमी,
ठीक है होने वाली है स्थिर कमी। तो वही चीज है कि जैसे जैसे ये नाभिक का आवेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आकार कम होगा और परमाणविक और आयनिक त्रिज्या कम होने के कारण लेंथेनेड आकुंचन होगा। मतलब सीधी सी ये बात है, हमने आपसे कहा कोई भी परमाणु होता है, मान लो तत्व है, तत्व का कोई परमाणु तो होगा, परमाणु के अंदर नाभिक होगा और नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी वहां पे, ठीक है, क्योंकि मान लो पहले 4f में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 4f में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक का आवेश बढ़ेगा और जब नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो उस पहले इलेक्ट्रॉन की नाभिक से रक्षा नहीं कर पाएगा, जिससे उसका परिरक्षण बहुत ही दुर्बलता से होगा और वो जिससे परिरक्षण दुर्बलता से होगा और नाभिक का आवेश बढ़ता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता जाएगा, जिससे नाभिक वो जो परमाणु का आकार वो छोटा होगा, जिससे उसकी आयनिक और परमाणु त्रिज्याओं में कमी आएगी और यही कमी लेंथेनेड आकुंचन होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लेंथेनेड आकुंचन का कारण लिख देना है। तो ये है परिभाषा, उदाहरण और कारण, ठीक है। ये चीज़ जो आपका यहाँ पे श्रेणी हमने बनाई ये आपको बिल्कुल मतलब पेपर में नहीं बना के आनी है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपकी। तो इस श्रेणी को आप बना लेना कॉपी पे, लेकिन पेपर में श्रेणी को बना के ना आना, उदाहरण कारण। अब बात करें इस लेंथेनेड आकुंचन का परिणाम क्या होता है, मतलब इस लेंथेनेड आकुंचन के होने से क्या चीज़ होता है, ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिणाम की बात कर लेते हैं, इनको नोट कर लो जरा, फिर यहाँ पे इसको इरेज करके परिणाम लिख दें। अब बात करते भैया लेंथेनेड आकुंचन के परिणाम क्या है, मतलब लेंथेनेड आकुंचन से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब परिणाम को देखो, आपको सबसे पहले परिभाषा, उदाहरण, फिर उसके कारण और फिर परिणाम को लिखना है, ठीक है। परिणाम यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई लेंथेनेड आकुंचन के क्या परिणाम है। पहला परिणाम है लेंथेनाइडों में समानता आ जाती है, मतलब जो लेंथेनाइड आकुंचन होता है या संकुचन होता है उससे क्या होती है, लेंथेनाइडों में समानता आ जाती है। पढ़ सकते हो लेंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन के कारण अर्थात जो कमी आती है उसके कारण इनके रासायनिक गुणों में या इनके रासायनिक गुण लगभग समान हो जाते हैं, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अत्यंत कठिन होता है। मतलब लेंथेनाइडों की जो त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन होता है इसके कारण इनके रासायनिक गुण जो हो जाते हैं लगभग समान हो जाते हैं। जितने लेंथेनाइड तत्व होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लगभग समान हो जाते हैं। और जिसके कारण तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना, पृथक्कृत का ये मतलब समझ सकते हो अलग करना, अत्यंत कठिन हो जाता है, ठीक है। मतलब जो लेंथेनाइडों में जो लेंथेनाइडों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में कमी होती है उससे लेंथेनाइड के गुणों में समानता आ जाती है रासायनिक गुणों में, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण लेंथेनाइड तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अर्थात अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये पहला परिणाम आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है, लेंथेनाइडों में समानता आ जाती है, ठीक है। दूसरा है क्षारकीय अंतर, ठीक है। क्षारकीय अंतर होता है कैसे, देखो कहा गया लेंथेनाइड आकुंचन के कारण लेंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। मतलब आयनों का आकार या जो त्रिज्या होती है वो घटता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनों का आकार जो होता है नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लेंथेनाइड आयन तथा OH- आयनों के मध्य इनके साथ संयोजक गुण Na3+ से Lu3+ तक बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षार की सामर्थ्य घटती है। देखो क्षार की अंतर कहाँ पे होता है, क्षार कौन होते हैं, जैसे जिसमें OH लगा होता है, जैसे OH- वाले ही तो क्षार होते हैं। तो वही चीज़ कहा गया कि लेंथेनाइड आकुंचन के कारण लेंथेनाइड आयनों का आकार जो होता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नियमित रूप से घटता है। जो लेंथेनाइड आकुंचन होता है उसके कारण जो लेंथेनाइड के आयन होते हैं उनका आकार भी घटता है। आयन कैसे, जैसे Na3+ Lu3+ यही, जैसे प्लस या माइनस आयन होते हैं, ठीक है। आकार में जब कमी आती तो उसके फलस्वरूप लेंथेनाइड आयन जो होते हैं वो OH- आयनों के साथ आयनों के मध्य, मतलब जो लेंथेनाइड के आयन होते हैं और OH- जो क्षारकीय आयन होते हैं उनके मध्य जो सहसंयोजक गुण होता है वो Na3+ अर्थात लेंथेनम 3+ से Lutetium 3+ तक बढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे आप Na3+ से Lu3+ तक जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, लेंथेनाइड आयन और OH- आयन के मध्य क्या होता है, उनके मध्य क्या होता है, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। और परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षार की सामर्थ्य घटती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोक्साइडों की जो क्षार की सामर्थ्य है, क्षारकता का गुण है, वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये है क्षार की अंतर पर आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। तो ये दो परिणाम है, पहला आपका लेंथेनाइडों में समानता, दूसरा क्षार की अंतर।
तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, परिभाषा, उदाहरण, कारण और ये परिणाम दो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है तैयार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, तो सब लोग अब क्या करो, इसको नोट भी कर लो, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आप बात करते भैया अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। एक्टिनाइड तत्व तो क्या होते हैं, इनका आप क्या करिए, आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल बात करें आपसे, जैसा हमने बताया आवर्त सारणी में जो दो श्रेणियाँ लास्ट में नीचे होती हैं उसमें से एक को एक्टिनाइड श्रेणी और दूसरी को, सॉरी, ऊपर वाली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी और नीचे वाली श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दे देना, जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है उसको प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान समझ लो। अगर आपसे कभी पूछ ले प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी क्या है, तो प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी बोले या लैंथेनाइड श्रेणी बोले, बात एक ही है। और द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी को, ठीक है। आपकी जो प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी होती है लैंथेनाइड वाली होती है और द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी एक्टिनाइड वाली होती है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो देखो बात करें क्या होते हैं एक्टिनाइड तत्व और इनका आवर्त सारणी में क्या स्थान है। तो देखो आवर्त सारणी में जो नीचे सबसे होती है उसे बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। दो आपके इस टाइप से खड़ी मतलब क्षैतिज पंक्तियां होती है, एक में एक क्या होती है लैंथेनाइड, दूसरी क्या होती है एक्टिनाइड। आप देखो इसमें जो थोरियम जेड बराबर 90, मतलब जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103, मतलब थोरियंसियम आपके 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के जो 14 तत्व होते हैं उन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बोलते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हो यहाँ पे कि एक्टिनाइड को आवर्त सात, इस ये कहाँ रखी जाती है, आवर्त सात में। तो एक्टिनाइड को आवर्त सात सारणी के बाहर, आवर सात में यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। एक्टिनाइड को आवर सात में सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है और एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। और इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है, जैसे हमने बताया था लैंथेनाइड में 4f कक्षक में प्रवेश करता है और एक्टिनाइड में 5f कक्षक में प्रवेश करता है। कहा गया इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व तो सम्मिलित है और ये आवर्त सारणी में एक्टिनियम एसी जेड बराबर 89 का अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके गुणों में उससे समानता प्रकट करते हैं, इसलिए इन तत्वों को एक्टिनाइड तत्व तो कहते हैं, ठीक है। ये बात है एक्टिनाइड की, सब सिंपल समझ सकते हो कि आपके एक्टिनाइड को आवर्त सात में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं और इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन जो होता है 5f कक्षक में, किस कक्षक में प्रवेश करता है, 5f कक्षक में प्रवेश करता है। और इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 अर्थात 90 से लेके लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व तो इसमें सम्मिलित है। और ये आवर्त सारणी में जो एक्टिनियम तत्व तो होता है ना, एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, उसी तत्व का ये सब अनुसरण करते हैं, मतलब एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है उसके गुणों से ये सभी तत्व समानता प्रकट करते हैं। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसी एक्टिनियम के नाम से हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी इनको कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं अर्थात उनके गुणों में उससे क्या करते हैं, समानता प्रकट करते हैं, मतलब उसके जो गुण है उसकी समानता प्रकट करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, इसी कारण से इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, ठीक है। इसमें भी आपको ये श्रेणी बनाना जरूरी नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक्टिनाइड पर लिख देना है। तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यही है मेन संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनसे जो रिलेटेड धात्विक गुण को प्रदर्शित करते, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते, ये हो गया। फिर लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है और एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आता, इसमें केवल देखो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब केवल डी ब्लॉक के तत्व जो संक्रमण तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व जो लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, और इसमें यही है, ठीक है। तो जितने टॉपिक थे ये आपके कंप्लीट है। आपको करना क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और आप लोग डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है वहाँ से
से आप लोग देख सकते हो सभी आपके चैप्टर, जो चैप्टर वन हो गया विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, उनके न्यूमेरिकल भी वन शॉट पे कराए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग कराए हैं, ठीक है। वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और ये डी एवं ए ब्लॉक वाला, इसी टाइप से हम आपको चैप्टर नंबर 10 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, आपको उनको तैयार कर लेना, मस्त नंबर लाओगे यार आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको जिसको नोट करना हो कर सकते हो।